हम मेरियाना एबिसल पहुंच रहे हैं। हम मेरियाना एबिसल पहुंच रहे हैं। गहराई 734 फीट। जैसा वो कह रही है वैसा करो। सब सिलेंडर ऊपर है, पर सामने कुछ अजीब दिख रहा है। गहराई को देखो। कौन? लेकर आओ उसको। ठीक है। अब कहां से बाहर आ गए कैप्टन? और ये हमारी फाइल नहीं है। माफ करिए कैप्टन, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। क्या ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है कि नहीं है? वो पैसिव है सर, ये कुदरत ने नहीं इंसान ने बनाया है। ये कोई मछली नहीं है। हाँ, ये मछली की तरह हिल रही है, वैसे हमारे डॉक्टर ये पता लगा रहे हैं। ठीक है, इसे ट्रैक करते रहो। सबमरीन को 100 फीट नीचे ले जाओ। फिलहाल सबमरीन को छुपाओ। ठीक है कैप्टन, 834 फीट और गहराई में ले जाओ, दाएं तरफ। कैप्टन, गहराई 834 फीट दाएं तरफ ले जाओ। यहाँ भारी मात्रा में ज्वालामुखी जैसी हलचल हुई है कैप्टन, और मैं तापमान भी देख रहा हूँ। पानी का तापमान 67 से 68 डिग्री है सर। 70 डिग्री से और बढ़ सकता है। एक क्षेत्र से टकराए सर, अब सब ठीक है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब ठीक है सर। अभी क्या रिपोर्ट है बताओ? हम दायरे से बाहर हैं। ठीक है, सब रोक दो, सब रोक दो, फिर से कहता हूं सब रोक दो। थोड़ी देर शांति से बैठ के देखते हैं कि वो कर क्या रही है। इंजन का पावर कम कर दो। इंजन का पावर कम कर दिया है सर। टाइम क्या हो रहा है? 8:36 कैप्टन। एडमिरल हॉबसन को फिंगरप्रिंट भेज दो, उसको बोलो हमें कुछ मिला है उस चीज का, वो पता लगाए। ठीक है सर। कैप्टन सर, आपको ये देखना चाहिए। क्या वो एक शिप है? हाँ? मुझे नहीं समझ में आ रहा सर, मैंने सारे जहाज का चार्ट देखा है और प्लेटफॉर्म में भी, वहां ऐसा कुछ नहीं था। ये इलाका कभी नक्शे में था ही नहीं, यहाँ पूरा काला था। क्या आपने वो देखा? What? सर, हमारे दाई जगह पे कुछ है सर, 10 डिग्रीज। कुछ मछली जैसा है। इतना नीचे? No, इतना नीचे वो नहीं हो सकता। कैप्टन, यहाँ पर कुछ है। रुक रहे हैं कैप्टन। Nothing. Captain, 120 degree estimated track हो रहा है सर, 20 और होगा। जो इंजन रूम को साफ कर रहा है, प्रेशर नॉर्मल है। गहराई 2300 डिग्री सर। चार्ट में क्या है? शायद कुछ तो बड़ा सामने आ रहा है। ऊपर चलो, चारों तरफ चलो, बढ़ रहे हैं सर। मैंने कहा ऊपर चलो, दाएं तरफ चलो। वीडियो मोड को ऑन करो। पहला और दूसरा पानी में है। तो है यहाँ बाहर। टैंक को ठीक करो, प्रेशर बढ़ाओ, हमला हो रहा है, हमला हो रहा है, चलो। प्रेशर को बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ते जा रहा है। कैप्टन, 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 प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है कैप्टन। Thurstein, सर संभल के। वो जहाज काफी पास, गुब्बारा कभी भी फट सकता है। ठीक है सर, करती हूँ जैसा आप कहें। मुझे बस एक घंटे में उठा देना।
ऑल राइट, ठीक है, मुझे वापस अंदर खींचो। जब भी तू 20 डिग्री पे करती है तब मुझे काफी सैलिनिटी होती है। तो कैसा चल रहा है सब कुछ? 20 मिनट से मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कू नहीं हो रहा है। कैसा लगा वहाँ? आप तो सूखे भी नहीं हैं। मुझे पता, तुम्हें वापस जाके देखना चाहिए, कहीं पावर अनस्टेबल तो नहीं है या फिर कहीं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं हो गया। आपको लगा कि आप माँ को वहाँ छोड़ आए हैं, वैसे फिर से आप वहाँ जाएंगे? हेलो हेलो, मैं कैप्टन फेरगत बोल रहा हूँ, यूएसएस अब्राहम लिंकन से। अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन यूएस गोशन सुबह से गायब है, अभी तक लापता है। मैं तुम्हें और तुम्हारे क्रू को पिकअप करने आ रहा हूँ और सीधे स्ट्रेच तक ले जाऊंगा। हमारे पास सबसे काबिल क्रू इस समय तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें ले जाने आ रहा हूँ। हमें हर हाल में गहराई में जाके उसे ऊपर लाना ही होगा। यस सर। अब्राहम लिंकन तुम्हारी ऊपर की दिशा में है। तुम्हें सीधी दिशा में ऊपर की तरफ 1100 डिग्री तक बढ़ना है। सर मैं वादा करता हूँ, इस कोशिया पानी के नीचे से गायब हुई, उन्हें जरूर मैं बाहर लेकर आऊंगा जमीन पर। 150 क्रू मेंबर की जान खतरे में, उनके खातिर उम्मीद है तुम सही हो। सर फिक्र मत कीजिए, आपका काम 2 घंटे में हो जाएगा। रेम्ब्रे सस्टेन। यस सर। प्लान में छोटा सा बदलाव है। तुमने सभी को तैनात कर दिया ना? यस सर। अभी से 6 घंटे की शिफ्ट में काम करना शुरू कर दो, किसी भी तरह की लापरवाही बरती नहीं जानी चाहिए। सर सर, लेकिन तब क्या करेंगे अगर हमें कोई जिंदा नहीं मिला तो? जा सकते हो। सामने से एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, पहुंच रहे हैं यूएसएस लिंकन, 5 फीट ही दूर है बस यहां से। हम ऊपर पहुंच गए हैं, अब बस 5 डिग्री मुड़ना बाकी है। हम धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। कैप्टन, ऑक्टोनॉट 3 पहुंच चुका। अरिनल। कैप्टन, अब परमिशन दे दीजिए। परमिशन दे दिया। यस सर। सुनो सिस्टम, मैं चाहता हूँ कि तुम वो दोनों कनेक्शन जोड़ दो और वो सब जोड़ दो जो तुम लगा पाओ। और हाँ, स्टील के पाइप लगाना मत भूलना। गुड लक। क्या स्कोशिया की कोई और खबर मिली सर? क्या लगता है कितनी गहराई तक जा सकते हो? मुझे लगता है शायद 30,000 फीट तक। ऑन फील्ड 15 दे या ले। ऑक्सीजन सिलेंडर से ही जान बच सकती है उनकी। वो अभी तक तैयार नहीं है सर, वो टैंक कम से कम 6x6 का है। मेरा ऑर्डर है ऑक्सीजन जनरेटर सबमरीन में कनेक्ट करके पानी को ऑक्सीजन में बदल के उनकी जान बचाओ। बिल्कुल सही कहा कैप्टन आपने, लेकिन अच्छा होगा हम कोई दूसरा। हमें उस तरफ बोर्ड भेज दिया है, यह एक्सपेरिमेंट हर हाल में कामयाब होना चाहिए। SLBM सर, आपको समझना होगा अभी सिर्फ इसी की क्लास चल रही है। ये वाला नहीं, इसीलिए हम लोग इस समय खामोश हैं। इस कोशिया में कितने वेरिएंट्स लगे हुए हैं सर? मेरे निर्देश है तुम्हें 6 बताने के। समझा। ओ, और एक बात और, एडमिरल हॉब्सन ने डिसाइड किया उन्हीं का टीम लीडर वहां पे रहेगा। माफी चाहता हूँ सर, देखा जाए तो मैं सिर्फ इंसानियत पर ध्यान देता हूँ, हॉब्सन को आप मेडल पर ध्यान देने दीजिए। वैसे कौन है? लेडी है, वो लेफ्टिनेंट कमांडर कंसीला वॉलेंस है। ठीक है, खैर मुझे नहीं लगता कि वो फील्ड को संभाल पाएंगे। मुझे नहीं लगता उसकी यहाँ कोई खास जरूरत है। वो सबसे ज्यादा काबिल है सारे एडमिरल डेस्क में, वो इस विषय को बहुत अच्छे से जानती है। माइकल, वो तुम्हारे साथ ठीक से निभा लेगी। जी कैप्टन। वैसे ये कमांडर यहाँ कब तक आने वाली? वो अभी से तुम्हारा इंतजार कर रही है ब्रीफ में। समय बताओ। 8:23 वो लेट है,
कैप्टन फार्गो को बोले उसके जगह किसी और को भेजे। कोई फायदा नहीं, वो पहले ही आकर कैप्टन से मिल चुके हैं। क्या ये सही है? नहीं, तुम्हें आरोन को अच्छे से जानना होगा, वो मरीन नेवी का एक सदस्य है। तुम्हें पता है क्या, कभी ऐसे इंसान को पीछे मत रखो जो कचरा हो, वो हम सबको खतरे में डाल देगा। जब तक तुम हो मैं तुम्हें बचाऊंगा। मेरे लिए वापस आने की कोशिश मत करना, तुम अगर बाकी सबको खतरे में डालोगे तो ये हीरो वाला खेल हम नहीं खेलेंगे अर्नॉल्ड। लगता है तुम दोनों को थोड़ा समय चाहिए, तो ठीक है मैं बाहर जाकर वेट करता हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि रामिरेज कहाँ होगा? मुझे उसके साथ काम करने का ऑर्डर है। हाँ, वो भी जहाज के नीचे मरम्मत कर रहा है। और अब से हमें इस मैम के ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। आपको पता होगा कि मैं कहाँ रहूंगा, अगर जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लेना। क्या तुम्हें उसे कोई परेशानी है? नहीं। तो क्या मुझसे परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं इस रिश्ते को प्रोफेशनली रखना चाहती हूँ। मैं इस चीज को हमेशा याद रखूं। मैं हर चीज की लिस्ट चाहती हूँ जो तुम ला रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं कमांडेड ऑफिसर हूँ और सारी जानकारी भी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक घंटे में दे दूंगा। 10 मिनट में? चलो भी। मुझे वो चाहिए हर चीज के साथ। देखो, तुम्हें समझाया गया है ना, तुम्हें सब कुछ इसके बारे में एक एक चीज पहले से पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि तुम्हारे कैरियर के हर लोग ऐसे हों। तुम्हें देखकर लगता है तुम परेशान हो। तुम मेरे क्रू के हर एक इंसान को जानती हो क्योंकि उन सबको तुमने ही रखा है। उसमें सिर्फ नोरीन है और रेमरेस। यकीन नहीं होता वो तुम्हारे साथ है। वो अभी भी साथ में है, वो ईमानदार और अच्छे लोग हैं। वो मेरे साथ इथ्री में भी रहेंगे शुरुआत से। मुझे पता है, मैंने ही रखा था। ठीक है, मुझे A3 की जानकारी दो जो हाल ही में आया है। ठीक है, 10 मिनट। 9 मिनट में, मेरा मतलब 8। रैमरेज, जितना जल्दी हो सके मुझे A3 के काम का लिस्ट चाहिए। लेकिन अभी A3 क्यों? क्योंकि हमारे नए कमांडर को वो ही चाहिए। कौन है वो? मेरी एक्स वाइफ। ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ हलचल मिली थी। इस कॉर्नर से वो सबमरीन गायब हुई थी। ये है आपका गोला, तो यहाँ के ज्वालामुखी का पता करो। ये है बरमुंडा ट्रायंगल, यहाँ जहाज घुसती है लेकिन कभी बाहर नहीं आती। तह के कितनी गहराई में जा रहा होगा? 20,000 फीट तक या शायद और ज्यादा। 9,000 पाउंड का प्रेशर हर इंच में मिलता है, तो हमें इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, समझे? या पर एरिनल को लगा 15 या 20 फीट। हम 15 तक जा सकते हैं, शायद 18 तक भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ मुड़ो, 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ 75 नॉट की स्पीड से चलो। मैं तुम्हें सर्कुलर फायर की तरफ ले जाऊंगा, उसके बाद तुम डिसाइड करो। कमांडर। लेफ्टिनेंट, आपने ये जो प्लान बनाया है मैं उसे देख रहा था, यहाँ पर क्या परेशानी है? कोई खास नहीं, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। असल में दो है, एक ऊपर और एक नीचे। और इस वाले का क्या, ये गुब्बारे का बक्सा है या ऑक्सीजन का सिलेंडर? ये एक ऐसा मशीन है जो पानी को ऑक्सीजन में बदलता है, और कुछ नहीं। हमें सबमरीन में लगाना है। ऐसा हो सकता है? तुमने कितनी बार डुबकी मारी है? मैंने काफी बार, वो भी मतलब ट्रेनिंग के समय। फिर भी कितना? 500 फीट तक पोशाक पहनकर, लगभग आम सबमरीन में, मतलब असली में।
मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की है, डुबकी लगाने से बढ़कर है। दूसरे शब्दों में बोलो, सच बोलो, ये पहली बार है। मेरे पास तो बहुत बहुत सॉफ्ट हैंड है। क्या तुम तैयार हो? जी सर। सब सबमरीन की तरफ बढ़ो, समय आ गया है। तुम सब तैयार हो जाओ 10 मिनट के अंदर। शुक्रिया। यस सर। शुभकामनाएं। ठीक है तो अपनी क्रू को A3 में लेके जाओ। जैसा आप कहें लेफ्टिनेंट कमांडर। आपने मिस कर दिया? हाँ बिल्कुल, हम अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूलते। लेफ्टिनेंट तो दूसरा ऑप्शन है कमांड देने के लिए। सब सिस्टम ऑन करो। यस सर। सारी तैयारी हो गई? यस सर। तुम उसे दक्षिण की दिशा में रखो, 10 डिग्री मोड़ दो। यस सर। क्या आप सच में पानी को हवा में बदल सकते हैं? हाँ, मेरे लिए छोटी बात है। बिल्कुल, हमने 300 फीट में आजमाया है। लेकिन करा तो था ना। और हम लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। कहाँ पर जाना चाहते हो? बबल फैक्ट्री में। तुम सिर्फ देखती रहना, हम पानी को कैसे हवा में बदल देंगे। तुम अंदर जा सकते हो? अंदर? वो कमाल का है। हाँ, वो कमाल का है। अगर काम किया तो। माइकल ने पहले ही कर दिखाया, इन्होंने ये टेस्ट पहले ही आजमा लिया था। नीचे ले जाओ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। क्या सब लोग ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें बाहर देखना चाहिए, ये काफी शानदार है। बीस साल पहले यह पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा हुआ करता था। पेड़ भी उगे थे, जानवर भी आए थे। तो मुझे बताओ, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं। मैं चाहता हूं कि तुम उसे और दाएं की तरफ मोड़ दो। A3, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें ध्यान रखते हुए दाएं तरफ से जाना होगा। रेडियो 40 को किनारे में रखो, समझ गए? नीचे आपके काफी दोस्त मिलने वाले हैं। कितनी गहराई? ये अभी भी 400 फीट है सर। मुझे इस कोशिया को परखना होगा, वो अभी 12,000 फीट नीचे है। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, कोई उतने प्रेशर में जाएगा तो फट जाएगा। सर मुझे कुछ दिख रहा है। कुछ दिख रहा है? और गहरा जाओ, जितना नजदीक जा सकते जाओ। यस सर। गहराई 17,000 फीट है,
और तापमान 41 डिग्री से कम हो रहा है। क्या हो रहा है, ये इतना हिल क्यों रहा है? क्योंकि हम पानी के हर लेयर के तापमान से जा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। ये दीवार के हर लेयर को तोड़ के अंदर जाने के समान है। अभी हम 21,000 फीट में हैं। हे, यहाँ पे मुझे कुछ अजीब सा प्रेशर महसूस हो रहा है। 21,000 फीट आते ही पानी के तापमान में बदलाव हो रहा है, 25 डिग्री। अभी तक कहाँ पहुँचे? 24,000 फीट। क्या बात है, हम इस कोशिया तक ही जाने वाले हैं। सर, ये एकदम से क्या हो रहा है? अभी संभल नहीं पाएगा। नहीं, हम इतना संभाल सकते हैं। सर, हमारे ऑक्सीजन खत्म हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है फटने वाला है। ऐसे कैसे फट सकता है, प्रेशर कितना है भी? इतना जितना ये संभाल भी नहीं पाएगा। सर, मैं वापस जाना चाहता हूँ। अभी इंतजार करो, हम इस समय वापस नहीं जा सकते बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। सर, बहुत ज्यादा प्रेशर है, तेल भी 30% से कम हो गया है। AB 20, 10। हमें वापस ऊपर जाना चाहिए सर। ये जवाब नहीं दे रहा है। अब जवाब नहीं दे रहे, इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है हम स्कोशिया तक पहुंचने वाले। अभी तेल की लाइन बंद करके हवा से चलो। क्या ये क्या हो रहा है? पानी का प्रेशर फिर से कम हो गया है। बाहर पानी का तापमान 82 डिग्री तक है। अरे नहीं, ये नर्क वाली जगह है। स्वीट। ये रहा सर, द स्कोशिया। देखा, वो यहाँ रुका हुआ है। हाँ सर। सर, प्रेशर कम हो रहा है। हम बबल मशीन यूज कर सकते हैं? नहीं सुनो, हम अभी स्क्यूबा गियर इस्तेमाल करेंगे। इससे हम 1 घंटे तक और सांस ले पाएंगे पानी के अंदर। माफ करिएगा सर, लेकिन हम लोड नहीं कर पाएंगे। सॉरी सर, मैं आपको टाइम बता रहा था बस। अगर तुम कुछ और बता सकते हो तो बता दो। हाँ, जैसे गैस टैंक के अंदर चीनी, ऐसा कुछ। ओ अच्छा, ये सब 20,000 फीट नीचे बिल्कुल बकवास है। यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें नहीं चाहिए। अब तक सब ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? हमारा पावर जा चुका है और ऑक्सीजन भी कम हो रहा है। मैं अभी स्कोशिया के पीछे जा रहा हूँ सर, हम सब ठीक है। हम जल्दी स्कोशिया के पास जाने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो तैर ना रहा हो। क्यों? हमें अभी भी थोड़ी हवा चाहिए। कॉन्टैक्ट। मुझे चैम्बर के बीच में बहुत एयर प्रेशर महसूस हो रहा है सर। सर, मुझे कुछ वाइब्रेशन फील हो रही है ऊपर से, लगता है कि वहाँ कोई जिंदा है। अभी उसको बंद करो। स्कोशिया का लिंक टूट चुका है सर, क्या वहाँ कोई छेद है जहाँ से हम बात कर सके? सुनो सिस्टर, रिमोट का इस्तेमाल करके उसे बबल बॉक्स से बांधो, देखते हैं कि पानी का प्रेशर उल्टा कर सकते। समय बर्बाद होगा बस। मुझे लगता है कि लो प्रेशर का एडवांटेज हमें लेना चाहिए, बिना सूट के हमें परेशानी होगी। मैं ऊपर के हिस्से को धीरे से खोलता हूँ सर। प्रेशर कम है? प्रेशर कम है सर, ऐसा लग रहा है कि हम सरफेस के बहुत करीब हैं सर। हमें बस ये आके देखना ही था। वहाँ नीचे लोग हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर को पावर देकर चालू करो, जल्दी करो। मुझे वहाँ का स्टेटस बताओ। बबल का बॉक्स लग चुका है सर, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है सर। हमें वापस जाना होगा। हमें रिमोट से ही सेट करना होगा। अब वापस जाने का समय नहीं बचा। ऑक्सीजन का कंटेनर खत्म हो रहा है सर, लगभग खाली होने वाला है सर। हमें कुछ तो करना होगा। सब लोग सांस लेते रहो, सांस लेते रहो। We swim. We swim. हम तैरेंगे। असिस्टेंट,
माइकल आर्नो, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? बिल्कुल, लेफ्टिनेंट आर्नो, मेरे पीछे आइए। इस तरफ से। माइकल आ गए हैं। माइकल, अच्छा लगा तुम सबको देखकर। मैं जानती थी कि तुम ठीक हो। हम अभी कहाँ हैं? हम मरे नहीं हैं, ये खुशी की बात है। हमें पानी के अंदर बचा लिया गया, मेरा मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा। तुम्हें कुछ मालूम है? हमने तो ये नहीं बनाया। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने इसमें चाइनीज लिखा हुआ देखा था। हम लोग यहाँ पे बच गए हैं सिर्फ इनकी वजह से, इतना काफी नहीं है? लिंकन ने कुछ कहा? नहीं, मुझे लिंकन के साथ ही रहना था, ये कुछ सही नहीं है। खैर, मुझे लगता है कि अच्छा ऑप्शन है। ये क्या कह रहे हो तुम? स्वागत है तुम सबका नॉर्थ वेस्ट में। मैं हूं कैप्टन नीमो। मैं हूं लेफ्टिनेंट माइकल, यूएस नेवी से। मैं जानता हूं तुम्हें और तुम्हारे यहां आने के मकसद को भी। क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ डिनर पर चल सकते हो आज रात को। शुक्रिया कैप्टन नेमो, लेकिन हमें अपने सीनियर से बात करनी होगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है ठीक है। कैप्टन फेरगो लिंकन के काफी अच्छे इंसान है। आपने कैप्टन फेरगो से बात की? हाँ बिल्कुल, तुम्हें बचाना मेरा काम था। लेकिन अभी हमें खुद के लिए इंतजाम करना होगा। क्यों नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपके पास रेडियो है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसका कोई असर नहीं होने वाला। हम लोग अभी टाइटन स्ट्रेट्स में हैं। हमारे नीचे धरती का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो अभी तक कोई रेडियो नहीं मिलेगा कम से कम 5 घंटे तक। क्या? तुम लोग ऐसे पेश आ रहे हो जैसे तुम मेरे कैदी हो। कमाल है ना, जरा देखो तो ये कितना अजीब लग रहा है ना? लेकिन जैसे ही समय आएगा तब जिस मर्जी से रेडियो से बात कर लेना, लेकिन फिलहाल अब तक रिलैक्स करो, मजे करो यार। आपके पास बियर है? कितना पीना चाहोगे? आपके पास कितना है सर? मैं इस जगह को किस्मत का भंडार समझता हूं, क्योंकि मैंने तुम पांचों को बचाया है। ये अच्छा कर्म है, हमें ये मानना चाहिए। क्या कैप्टन फोरगुट ने कहा था कि हम भी यहां किसी को बचाने आए थे? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। सुनिए, लगभग 100 लोग सबमरीन में फंसे हुए हैं। तुम्हारा सबमरीन अभी थोड़ा सा खराब हो रखा है और हमारे लोग उस पे काम कर रहे हैं ताकि तुम सब फिर से समुद्र में घूम पाओ। खैर देखते हैं उन्होंने कितना काम कर लिया है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं उन्हें बचाने में। सर मैं इस खिलौने को बना सकता हूँ, वो भी आधे घंटे में, तो यहाँ मजे करके क्या फायदा? ठीक है, लेकिन मैंने खुद से उसमें कुछ बदलाव किए हैं। क्या बदलाव किए हैं? उम्मीद है तुम्हें बुरा ना लगे। यस सर। प्लीज इन प्यारे लोगों को 12 नंबर के हॉल में ले जाओ। यस सर। तुम दोनों यहां रुक सकते हो, हमारे लोग उस पे काम कर रहे हैं। आपके पास समय है, यहां बैठ सकते हो। मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों के साथ ही रुक जाना चाहिए। अरे नहीं, मैंने कुछ शानदार खाने का इंतजाम कर रखा है यहां पर।
तो तुम्हारी शादी को कितना समय हो चुका है? मैं लोगों के हाव भाव का एक शानदार जज हूं। तो क्या ये जगह आपने बनवाया? मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा विजन, एक ऐसी जगह जिसको बनने में काफी समय और काफी लोग लगे। मतलब पानी के नीचे आलीशान जहाज? एक होटल कोई आलीशान जहाज नहीं होता। ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक सपना है, ये हमारा एक भविष्य है। पानी के नीचे? बिल्कुल, काफी चीजें बनी हैं पानी के नीचे। एक तैरता हुआ शहर, सुनने में लग रहा है ना कि किताब की कहानी है ये। तो कितने लोग रहते हैं यहाँ? 10,000 तक। यहाँ नीचे सब नया है, जहाज के हर कोने में नए जीव हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है, नया इकोसिस्टम है। मतलब आपने काफी रिसर्च किया है? बिल्कुल। ये चीज देखो, एकदम अद्भुत है। एक ऐसा डिवाइस जिसे तुम पानी के नीचे भी सांस ले सकते हो। यहां तक कि गोताखोरों ने भी इस तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये शानदार है। जैसे तुम्हें और मुझे नई चीजों का आविष्कार करना पसंद है। उदाहरण के तौर पे अगर हम A3 की बात करें तो इसे मुझे बनाने में पूरे 30 साल लगे, इसके डिजाइन में, ताकि ये गहराइयों में तैर सके। और यहां तुम लोग आ गए, यहां मछलियों के साथ तैरने के लिए। सही कहा ना मैंने? लगता है आपको पहले से ही बहुत कुछ पता है। मैं जानता हूं हमारे बीच थोड़ा ही समय है, क्योंकि तुम अपने रास्ते चले जाओगे, लेकिन यहां पर तुम दोनों के लिए एक जगह है। मैं उन लोगों के लिए मोहताज हूं जो अपनी सीमा पार करते हैं और अपने आप को बढ़ाते हैं। सोच के बोलिए सब। हाँ हाँ स्कॉशिया, चलो जरा कुछ लोगों से मिलके आते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट एक सबमरीन से ज्यादा तैरने वाला शहर है। यहाँ पर काफी सुविधाएं हैं, मेहमानों के लिए कमरे, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट्स। ये काफी क्यूट है। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ साइंस लैब भी है, मेडिकल की सुविधा, और हाँ बचाव के बैग्स भी। ये काफी कमाल है जो तुम्हें समुद्र के नीचे मिल रहा है। क्या बात है, चले। बुरा ना मानो तो मैं यही रहना चाहता हूँ। हाँ इसे यहाँ रहने दो, ताकि जब तुम यहाँ वापस आओगे तो ये तुम्हें काफी सारी कहानियां सुना पाए। तो फिर चलो इसके अंदर और चल के स्कोशिया को ढूंढते हैं। बहुत बढ़िया। पता नहीं आपको शुक्रिया कैसे करूं। हम सबको बचाते हैं, ये काफी अच्छी बात होती है। जी ये तो नया है। मुझे अपना चेयर ठीक नहीं करना पड़ा। सिस्टम चेक किया? फिर से चेक। चलो काम पे लगते हैं, शो टाइम शुरू। मेरा स्टीयरिंग लॉक है। मैं कोऑर्डिनेट टाइप नहीं कर पा रही हूँ, हाइड्रोलिक ब्लॉक होगा। नीमो आपने हमारे सबमरीन का क्या किया? मैं कैप्टन नीमो। मैंने ये पहले नहीं कहा, लेकिन मैंने इसमें एक रिमोट कंट्रोल का डिवाइस लगवाया है, ताकि आपको इस खाड़ी को छोड़ने में मदद मिल सके। हाँ, तो क्या आप लोग तैयार हैं? रिमोट कंट्रोल कहाँ है? ढूंढो उसे। मैं अभी तुम्हें बाहर भेज रहा हूँ।
साथ 3 मिनट तक मौजूद हूँ। गुड आफ्टरनून, यहाँ से हम खुद संभाल लेंगे सर। मिल गया हमें। अब मैं जहाज चला सकती हूँ और डॉक पॉट का इंतजार कर रही हूँ। क्या सही में जानते हो दोस्त कैसे बनाते हैं? तैयार रहो जैसे वो है। ये है एक्वानेट रेस्क्यू सबमरीन मशीन उस स्कोशिया के लिए। फिर से कहता हूँ, एक्वानेट रेस्क्यू सबमरीन। यहाँ साइट में एक्सेस करने के लिए है ये। हमें उस तरफ जाना होगा। हमें डॉकपोर्ट की तरफ ले चलो। मुझे यकीन है हम वहां पहुंच जाएंगे सर। सर। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? नीमो को लाइन में लो। हेलो नॉटिलस, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? नॉटिलस आपको सुन सकता है। शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। मैं सबसे पहले उस रिमोट कंट्रोल को दोबारा से लगाइए। लगाओ फिर से, अभी। ठीक है रेमरेस, उसे दोबारा लगा दो। हमने लगा दिया सर। अब ठीक है नीमो, हमने लगा दिया। शुक्रिया। यहां एक विचित्र प्राणी रहता है। क्या वो कोई प्राणी था? वैसे ये कुछ कह नहीं सकते। तुमने देखा, नई चीजें यहां पर हर रोज सामने आती हैं। आप अभी चाहते क्या हैं? मैं फिर से वो पोर्ट कनेक्ट कर रहा हूं और तुम सबको अपने पास यहां नॉर्थ वेस्ट पर वापस बुला रहा हूं। मैं रिमोट कंट्रोल से तुम्हें ऑपरेट कर रहा हूं। सर, हम स्कोशिया के पास नहीं जा रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि तुम पीछे कुछ छोड़ो, खासकर ये। हम तुम्हारा ये खास डिवाइस इस तरह के खराब माहौल में नहीं छोड़ सकते हैं। सर। Son of a bitch। ये क्या कर रहा है? वो ले रहा है ऑक्सीजन का सिलेंडर। सर हम लोग पीछे जा रहे हैं। क्या चाहते हो कि रिमोट वापस निकाल? नहीं, वहां पर लोग हैं। लोग यहाँ पर भी हैं? तुमने जैसे ही रिमोट निकाला तभी से वापस यहाँ आ गए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सुनो, अभी मैं क्या करूं? हम वहां पहुंचने वाले थे नीमो, हम उन्हें बचा सकते थे, और आपने हमें वापस यहाँ बुला लिया। ठीक है, क्या कहा आपने? ठीक है, पहले आपने मेरा जहाज रखा, फिर मैं वहां पहुंचने वाला था, आपने मिशन बंद कर दिया। माइकल, और तुम कहां थे? हमें जरूरत थी तुम्हारी। माइकल, स्कोशिया के लोग मर चुके हैं। बकवास है, वो लोग सांस ले रहे हैं, वहां पे हलचल है। वो बुलबुले की आवाज थी। ये सच नहीं है। हम उन्हें बचा सकते थे नीमो। मैं ऐसे 100 लोगों को मरने नहीं दे सकता हूं। मैं शैतान नहीं हूं। हम लोगों को नॉटिलियस के जरिए बचाना चाह रहे हैं। मैं वहां फिर से जाना चाहता हूं। तुमने कोशिश किया। हे, क्या तुम्हें याद है कि तुम किसकी टीम में हो? याद है या नहीं? इससे क्या फर्क पड़ता है? माइकल, क्या तुम्हारे टीम के यहाँ आने के बाद हमने स्कोशिया को देखा था। मैंने बचाव के लिए लोगों को भेजा था वहां। और वहां उन्हें क्या मिला? तुम सही थे, वो लोग जिंदा हैं। हमने गिना कि वहां 50 से ज्यादा हैं। वो अच्छा पल था, लेकिन वो जीव, मैंने अपने 6 अच्छे लोग खोए तुम्हारी टीम को बचाते हुए। माइकल, उसमें से एक मेरा काफी अच्छा दोस्त था। माफ करना, मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया वहां जाने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से दूर हूं।
और ना ही इसलिए कि मैं तुम्हारे बनाए हुए ऑक्सीजन सिलेंडर को देखना चाहता हूँ। लेकिन वहां स्कॉशिया में कोई नहीं बचा, कोई नहीं। तो क्या चाहिए नीमो, हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तुम्हें मेरे एक्सपेरिमेंट चाहिए या हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए? क्या देखा तुमने कि क्यों मैं हद से ज्यादा सतर्क रहता हूँ? ये क्या है? ये हमारी दुनिया का 8वां अजूबा है। हाँ, ये एंशिएंट के समय का है, लेमोरिया की जमीन, टैटलिनस। एक ऐसी गुप्त जगह अमीरों की, 10,000 साल पहले ये समुद्र से गायब हो गई थी और अब मुझे ये मिली है। ये अब नहीं खोएगी, नहीं खोएगी ये अब। तो तुम्हें मेरा सिलेंडर चाहिए। क्या तुम ये देख रहे हो? ये जगह फिर से जीवित होगी इस युग के अंदर अंदर, देखना तुम। लेकिन ये किसी काम का नहीं है नीमो, हम चाहकर भी इसे पहले जैसा फिर से नहीं बना सकते। तुम नहीं, लेकिन मैं कर सकता हूं। कैसे? हाँ, अब तुम्हें बेचैनी हुई। हाँ, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये बड़ी तस्वीर देखी। देखो, हमारी दुनिया में अच्छी जगह है और तुम उसे बनाने में मदद कर रहे हो। इस मशीन में काफी हलचल है। यहाँ नीचे तुम 200 साल तक यहाँ पर जी सकते हो। सोचो इस बारे में, कला का काम, सभी इंसानों के ज्ञान का अनुभव। अरे यही तो जिंदगी है अलेक्जेंड्रिया जैसी, किसी अन्य शंग्रीला की कला नहीं है ये। उन लोगों का क्या जो तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट को नहीं खरीदना चाहते? तुम्हारी नई दुनिया जिसे तुम दुनिया कहते हो, उनका क्या? उन लोगों को हम बाहर निकाल देंगे। और मुझे नहीं पता कि तुम यहां पर रहोगे या नहीं। ठीक है, आगे बोलो। एक तरफ मैं देख सकता हूं कि तुम मुझसे काफी ज्यादा गुस्से में हो, और ये भी देख सकता हूं कि तुम्हें ये चाहिए। दूसरी तरफ तुम्हारे पास झूठ की ईमानदारी है कि कहीं दुनिया हार ना जाए। मैं जानता हूं मैं तुम्हें अपने जैसा बना नहीं सकता, लेकिन मुझे आधे रास्ते में मिलो। सामने एक बड़ा ब्रिज है और बहुत तेजी से कोई जहाज आ रहा है। मैं एक और जहाज का इंतजाम करता हूं। क्या है वहां? लग रहा है जैसे कोई बड़ा सबमरीन है, पूरी तैयारी के साथ। शायद फिलीपीन नेवी होगी या तो फिर अमेरिकन के समुद्री गार्ड। और कुछ? हाँ सर, ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और? हाँ सर, वो लोग इस जगह पे छानबीन कर रहे हैं। अरे हद है, समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको कैसे भी करके उनसे बात करनी होगी। मैं जानता हूं कि एक बड़ा जहाज है, लेकिन आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे आप उसे देख पाए। मैं चाहता हूं कि तुम उस दुश्मन को देखो। मैं ये सब बंद करना चाहता हूं, अपने इस जगह को बनाने से पहले। क्या क्या मिलिट्री भी? सबको जो जमीन पर है, हर वो उदासी दयनीय संभावना जो पानी के ऊपर तैरती नजर आती है, जो सांस लेते हैं वो गंदी है, जो खाना खाते हैं वो बैक्टीरिया से भरा हुआ होता है, वो गंदगी में नहाते हैं। पृथ्वी मर चुकी है, लेकिन हम वो नहीं देखते। हम इस दुनिया से बिल्कुल हटके हैं, या यूं कहें कि हम स्वर्ग में हैं। और तुम्हारा दोस्त तक ये समझ गया? हाइड्रोमैग्नेटिक इंजन को स्टोर कर रहे हैं। हमें ऊपर ले चलो। यस सर, वो लोग हाइड्रोमैग्नेटिक इंजन स्टोर कर रहे हैं। हम लोग इंजन स्विच कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1।
हाइपरबोलिक इक्वलाइजर लग गया, सब कोई तैयार हो जाए ऊपर जाने के लिए। हम लोग समंदर के खतरनाक इलाके में पहुंच चुके हैं। नेमो इतने गहराई में है, तुम यहाँ सुरक्षित हो। हम कहीं सुरक्षित नहीं रह सकते। हम बीच जगह में पहुंच रहे हैं। हम समुंदर के जीव को देख पा रहे हैं, वो 350 फीट ऊपर है, लगभग 25 नॉट्स। कोई रेडियो से हमें संदेश भेज रहा है सर। क्या कोई सुन रहा है? कौन है वहाँ? कोई तो जवाब दो, प्लीज कुछ जवाब दो। तैयार हो देखने के लिए कि किस लिए लड़ रहे हैं? तुम्हें डर लग रहा है? 4 या 5 लॉबस्टर हैं सर। ओ, उसको ऐसे मत सताओ दोस्त, ऐसे मत सताओ, वरना उसे हमारी इस हरकत पर गुस्सा आ जाएगा। सर ये काफी बड़ा है, इसको फोड़ना मुश्किल है। क्या आप ये सब चीजें कंट्रोल करते हैं? मैं काफी कुछ कंट्रोल करता हूँ। क्या आपने इस कोशिया को डुबाया? ये दुर्भाग्य है, लेकिन कभी कभार मैं मेहनत करता हूँ अपने काम के लिए, तो काफी जिंदगी बर्बाद हो जाती है मेरे इस जगह के लिए। एक ऐसी जन्नत जो समुद्र के अंदर है। क्या वहां पर कोई टीम भेजे सर? नहीं, अभी समय नहीं बचा, नीचे तक ले चलो सबको। सर मुझे लगता है कि हमें हमला कर देना चाहिए इससे पहले कि वो कर दे। उन्होंने पहले से ही नेवी को बता दिया है, अब हम लोग छिप नहीं सकते हैं। तुम ये बात समझ लो। क्या तुम पूरी यूएस नेवी का ये हाल करने वाले हो? शायद हाँ। जरा इन्हें बाहर तो छोड़ के आओ सबके पास बिना किसी शक के। यस सर। ये सब तो स्कोशिया के न्यूक्लियर है, तुम इन सब के साथ क्या करने वाले हो नीमो? पच्चीस हजार फीट की गहराई में रुके हुए हैं कैप्टन। सबसे पास जहाज कौन सा है? बैटलशिप, जो दक्षिण की तरफ से आ रहा है कैप्टन। अभी वो 8 किलोमीटर दूर है कैप्टन। क्या करूं सर? बताना जब 3 किलोमीटर दूर होगा। यस सर। सुनो, मुझे दिखाओ कि वो न्यूक्लियर मिसाइल कैसे छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी परिस्थिति बदल गई है। मुझे नहीं पता था कि एकमात्र ऑक्सीजन सिलेंडर ही हमारे लिए एक आखिरी रास्ता बचा हुआ है, तो दूसरा प्लान के लिए इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। क्या अभी आज रात? जल्दी ही, ये समुद्र जहाज से भर गया है, नॉटिलस से ज्यादा जहाज आके रुक सकते हैं, इस वजह से इस वक्त कल कभी नहीं आएगा। सुन रहे हो? यस सर। तुम वो मिसाइल कब तक लॉन्च कर दोगे? 11 मिनट 47 सेकंड में ये लॉन्च हो जाएगा, मैंने आधा को डाल दिया है। सुनो, तुम एक धोखेबाज इंसान हो। उसने सच्चाई को देख लिया है और जल्द ही तुम भी देख लोगे। क्या तुम नीमो के जासूस हो? कौन हो तुम? यूनाइटेड स्टेट मर्चेंट मरीन से बिली कूपर सर। इन्होंने अबडक्ट किया है, मैं यहाँ सब कुछ ठीक कर दूंगा। समझा,
तुम्हें यहाँ कब से? काफी समय से सर, हमारे पास वक्त अभी कम है। मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं घर जाना चाहता हूँ सर, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? और मैं इस जगह के बारे में सब कुछ जानता हूँ, पीछे के सारे रास्ते, दरवाजों के पासवर्ड्स, और आपके दोस्त कहाँ पर है ये भी सब। वो सब साथ में, किसी को नहीं पता कहाँ पर। वो लोगों को वहीं पर रखता है, लेकिन मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। मैं सबको लेकर वापस आऊंगा, लेकिन मुझे साथ ले चलना। मैंने उन सब में कोड डाल दिया है और वो सब अभी तैयार है। अच्छा, कितना दूर जा सकते हैं वो? पैसिफिक के किसी भी कोने तक जा सकता है। और बाकी के सब? कहीं भी, जापान, साउथ कोरिया, हवाई, उसका रेंज काफी लंबा है, शायद टेक्सास भी चला जाए। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। आपकी वजह से जमीन पर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ मौत और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन सबको कितना समय लगेगा? 40 मिनट हर किसी को लगेगा, और 40 मिनट लग जाएगा टारगेट को पकड़ने में। ठीक है, चलेगा सब, मुझे वहां लेकर चलो। एक नया यंत्र है, एक नया दिमाग, ज़ॉम्बी बनाने के लिए। इससे दिमाग को बदला जाता है, इससे आलस आता है और जल्दी असर करता है ये, और इसी कारण आपके सारे दोस्त पलट गए। ये इसका मेन फ्रेम है, मैं यहाँ से इसे बंद कर सकता हूँ, इससे सारे कनेक्शंस हट जाते हैं। आप अपने सारे टीम को इस चश्मे से देख सकते हैं। मजाक है क्या? नहीं, ये मजाक नहीं है। अगर उन्हें जल्दी से नहीं हटाया तो वो सब नीमो के कंट्रोल में हो जाएंगे। अभी सब कंट्रोल। क्या मैं इसके चेहरे से ये सब निकाल दूं? निकाल दो। तुम सुन रही हो? ए, उठ जाओ, चलो जल्दी उठो, मैं यहां से बाहर निकलना है। ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो, बताओ ना मुझे। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं, प्यार करते हो। वैसे मुझे बाकियों को भी ढूंढना है, मैं दूसरों को देखता हूँ। ये अच्छा आइडिया होगा। तुमने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? तुम मुझे किस कर रहे थे? तुमने मुझे किस किया? झूठ बोल रहे हो। पहले हमें यहाँ से निकलना है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? मुझे मदद मैं खुद कर सकती हूँ। ठीक है, आदत है मुझे। तुम वहां जाकर बैठ जाओ, मुझे से ठीक करने दो। आराम से जाओ, आराम से, यहां पर आराम से। हे क्रिस, हे सुनो, मेरे दोस्त, उठ जाओ। क्या ये पक्का ठीक है? हाँ हाँ, ये ठीक है। ठीक है दोस्त, चलें, चलो उठो। तुम लोगों को सब कुछ मिल सकता है, नेमो को सब पता है। तुम लोगों के दिमाग के साथ खेलते हो, और वो जब तुम्हारी बात नहीं मानते तुम उनका ब्रेन वॉश कर देते हो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला था। खैर, शायद तुम आजाद लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते माइकल। इंसानियत मतलब आजादी नहीं है, धर्म में आजादी नहीं है, मिलिट्री में आजादी नहीं है, और ना ही हमारी सरकार में। आसान रिश्ते भी आजाद नहीं है, और हाँ, आजादी भी हम खुद से ही बनाते हैं। और किसको चाहिए ये? हम सब कंट्रोल होने के लिए बने हैं, और हमें ये पसंद भी है। हमें जाने क्यों नहीं देते? वैसे भी तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हमें तुम चाहिए, तुम हम में से एक हो। तुम्हें ऑक्सीजन बनाना आता है, तुम्हें कुछ और बनाना पसंद है, तुम एक क्रिएटिव इंसान हो, तुम्हें घूमना पसंद है, और तुम सिर्फ बर्फ के एक कोने की नोक हो। अपने सामान के साथ और मानव जाति की मदद के लिए नए आविष्कार के बारे में सोचने का समर्थन करो। तुम्हें पता है क्या, तुम बोलते बहुत अच्छा हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस इंसानियत की बात कर रहे हो। हाँ, अपनी दुनिया की या हमारी दुनिया की? दुनिया खत्म हो चुकी है, हम काफी सदियों पहले खत्म हो चुके हैं, अब नई दुनिया है, पानी के नीचे की दुनिया,
एक नया इलाका, और ये तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। और जो तुम्हारे पास मिसाइल्स हैं, क्या वो तुम्हारी नई दुनिया का हिस्सा है? मैं ऐसा समझूं? वो तुम्हारी दुनिया से आया है, ये उस जहाज से मिला जो जहाज यहाँ तक आया था, और उसे मैं खत्म कर दूंगा, वो भी बिना इस्तेमाल किए हुए। रमीरेज मर चुका है, मुझे मार पीट पसंद नहीं है। अब पीछे की तरफ मुड़ो और आगे बढ़ो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ माइकल, तुम बस शांत रहो। वैसे लगता है कि अभी यह होश में आ चुका है। ये क्या कर रहे हो? ये मैं हूँ। हम रेम रेस के पास समय पर नहीं पहुँचे, इसलिए इसका दिमाग बदल गया है। रेम रेस, बंदूक हमें दे दो। तुम्हें अब इस चीज से पछतावा होगा। रमीरेज मार दो उसे। नहीं बिल्कुल, मैं सौदा करती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैंने मदद की माइकल की, पहले सारे मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन बनाने में। मैं एक इंजीनियर थी पहले, प्रोटोटाइप में आइकोनॉक्स 3 के लिए। मुझे पता है जितना उसको पता है। मुझे इस मिशन में इसलिए लाया गया क्योंकि मैं ऑपरेशन जानती थी। मैं जानती हूँ तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, मैं जानती हूँ तुम्हें अटलांटिस बनाने के लिए चाहिए, तो बदले में उसे मत मारो। इन दोनों को इसके दोस्त के साथ लेकर आओ। जरूरत में लोगों को ऐसा ही करना होता है। घर मुझे अभी बला से चाहिए जल्द शुरू करने के लिए। कितनी जल्दी? तुरंत। फिलहाल हमारी यहाँ हवा नीचे से आती है, और मैं सोच रहा था यह समझौता होता रहेगा। तो तुम खुद ही करते हो? 15 मिनट तक हम आसपास ही रहेंगे। मैं पहला स्टेज सिर्फ 10 मिनट में कर सकती हूँ। कैप्टन, आप इसके और इसके दोस्त के साथ क्या करेंगे? मुझे एक आदमी चाहिए, मैं कोई मौका गंवाना नहीं चाहता, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो, जैसी दिख रही हो। अपने हाथों को ऊपर रखो कि मैं देख सकूं, और चलते रहो। गोली मार दो। कोई अपनी जगह से नहीं लगा, अगर हिला तो कमांडर का सर गया। अपनी गन नीचे रखो सब, अभी जल्दी, मैंने कहा जल्दी करो। खासर के ऊपर रखो और पीछे मुड़ो। ऑस्टिन तुम यहां पर आओ और सब खोल दो, जल्दी जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी 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 करो। वैसे मैंने नीमो का डिवाइस लेकर अपने में लगा लिया है। आपके हाथ को क्या हुआ? तुम्हें गोली लगी है? ठीक है। ऊपर कहाँ है? वो मर चुका है। कम से कम मेमोरीज को वापस लेकर आए। उस मशीन में ज्यादा समय नहीं था, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ऑस्टिन इसको बाहर लेकर चलो, हमें ज्वालामुखी के ऊपर जाना होगा कनेक्शन पकड़ने के लिए। निकल गए हैं सर, अब हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। ऑस्टिन, हमें और जल्दी जाना होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ सर। मुझे तुम्हारा जख्म देखने दो, मुझे देखने दो कितनी लगी है। माइकल सर, A1 जवाब नहीं दे रहा है। हे, क्या हमने पानी की टंकी को नीचे किया? चालू किया है सर, लेकिन उसे कुछ और भी कहा जाता है। हे भगवान,
मुझे जाके तुम यही रुको और हम सबको बाहर निकालो। बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया ताकि तुम बाहर जाकर डूब जाओ। मुझे वो साफ करना होगा, तुम्हें यहाँ सबमरीन में रहना होगा और सबको ऊपर लेकर जाओ। देखो वो न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने वाला है, हमें मिलिट्री को सतर्क करना होगा। ठीक है, मैं ये कर लूंगी। ये लो, ये लो, संभाल कर, संभाल कर जाना। उनके इस बंदे को रेडियो में लो और जहाज को मोड़ो, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर वापस चाहिए। सर रिमोट काम नहीं कर रहा है, शायद वो टूट गया है। तो उसे अभी ठीक करो, हम उसे जाने नहीं दे सकते। अस्टिन क्या वो नीचे ठीक है? मुझे वहां का कुछ नहीं दिख रहा है सर, पर प्रोपेलर काम नहीं कर रहा है। तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा, यहां है वो, उन्हें नजर में रखो। मुझे बताओ जिसके पास E3 है वो बताए मुझे कि मिसाइल छोड़ने में कितना समय लगेगा। मुझे 8 मिनट लगेगा इसको एक्टिव करने में, उसके बाद हम लॉन्च कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, हमारे पास 8 मिनट है उस डिवाइस को वापस लाने के लिए। कैप्टन बहुत सारे जहाज दिख रहे हैं सामने। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है इसके लिए, हमें किसी भी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर वापस लेना पड़ेगा। मिसाइल का ऊपर का ढक्कन खोलो। उसने वो कर दिखाया सर, अब वो हमारे पास आ रही है, हम उसे ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी ऊपर नहीं जा सकती। आधी प्रोपेलर काट दो और जाने की तैयारी करो। ठीक है सर। उसके पास थिएटर है। रुकिए जरा सर। सर E3 जा रहा है। 30 मीटर नीचे करो। 30 मीटर कर दिया सर। राइट इंजन को चालू करो। वो बाहर गया है। अरे करो जैसे भी करो, राइट इंजन को चालू करो। सर E3 खुद को छुपा रहा है। सर अब वो दिख नहीं रहा, शायद हमने उन्हें खो दिया। हो गया, हमें उसे खींचना होगा। रमेश मेरे साथ चलो, अगर मैं 10 मिनट में नहीं आया तो तुम मेरे बिना ही चले जाना। सर रुकना मत, ये मेरा ऑर्डर है। चलो मैं उसे नीचे जाके देखता हूँ, चलो जल्दी करो। ओह डैम इट, नीचे का दरवाजा नहीं खुल रहा है, हम उसे खुद ही खींचना होगा। सर नीचे का कंसील काम नहीं कर रहा है। मैं नीचे जाके उसे ढूंढता हूँ। सर वो पतली जगह घुस चुके हैं, हमारा वहां तो जाना छोटे वाले को भेजो। पीछे से कोई आ रहा है सर। माइकल नीचे गया है कंसील को ठीक करने के लिए। लाइट ब्रेथ ऑन करना होगा सर। अगर हमने उसको निकाला तो बोट ब्लास्ट हो जाएगा। ये जरूरी है। मुझे लाइट ब्रेथ चालू करने की जरूरत है। माइकल का इंतजार करो। मुझे जरूरत है सर। वेट, ये हमें अभी करना होगा। सर वो लोग वहां से भी निकल गए। माइकल जा चुका है, चलो हम निकलते हैं यहाँ से। रेमरेस जाके उसके बोर्ड की सारी समस्या देखो। असिन क्या तुमने उसे देखा? हाँ मैंने उसे देखा, मैंने देखा है सर। कंसी? नहीं सॉरी सर। तो क्या है वो? यूएस स्कोशिया जहाँ हमने उसे छोड़ा था। आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? क्या हम जा सकते हैं? नहीं। तो स्कोशिया तक चलो और प्रार्थना करो कि वो चल रहा हो। हाँ, जी सर माफ करिए। कैप्टन E3 ने स्कोशिया को ढूंढ लिया है,
पता है। मैक्वेल, समय आ गया है। मिसाइल को तुम लॉन्च कर दो। मुझे जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता वो क्या साबित करना चाहती थी। वो आपकी जिंदगी बचाना चाहती थी। वो बताना चाह रही थी कि वो आपसे प्यार करती है। सर, यहाँ पे ज्यादा देर रुक नहीं सकते। हमें इस कोशिश से निकलना पड़ेगा जल्दी। मुझे पता है कोई है वहां। चलो। ये क्या? वो मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो। चुप रहो और मुझे किस करो। सर, स्कोसिया भी लाइव है सर। उस जहाज को बर्बाद मत करना। मुझे वो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। वो हमारी जमीन की चाबी है। सर, अब एथरी का रिमोट काम कर रहा है। हम उसे वापस ला सकते हैं। मुझे लगता है कंसील अटक गया है। ये अटका नहीं है, बस इसका प्रेशर ज्यादा हो गया है। सुनो, इसे खोलने मेरी मदद करो। कैप्टन, तुम बड़ी जल्दी आ गए। तुम क्या सब ठीक हो? लग रहा है सब सांस ले रहे हैं, राइट? वो बबल बनाने वाला, इसने काम किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। इतनी कम जगह में भी पानी हवा में बदल रहा है। पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। सर, A3 का रिमोट एक्टिव हो गया है। हम मिसाइल छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने A3 का रिमोट एक्टिव कर लिया है। तुम ठीक हो? कैप्टन, मैं तुम्हें और तुम्हारे क्रू को मैं जल्द से जल्द बाहर निकालूंगा। बस हौसला रखो। क्या अब हम जाने के लिए तैयार हैं? मुझे भी अभी तक स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिला। क्या हमें अभी इमरजेंसी पावर ऑन करना चाहिए? हाँ, वही हो रहा है अभी। ठीक है, वो चालू हो गया। पच्चीस 25,000 फीट पे वो रुके हुए हैं कैप्टन। बहुत बढ़िया। हाँ, पता है वो तुम्हारे दाईं तरफ होगा। बस तुम्हें ध्यान देना होगा कि उसे कैसे चलाना है। ठीक है, उसे सीधी दिशा में घुमाओ। अपनी कोहनी का इस्तेमाल करो। ओह, ये फंसा हुआ है। वो फंसा हुआ नहीं है, थोड़ा और जोर लगाओ। चलो। पहला और दूसरा रेडी है सर, तीसरा भी रेडी हो जाएगा। अब वो ऑक्सीजन सिलेंडर सेफ है, तो स्कोशिया को अब उड़ा दो और UPS का इंतजाम कर दो। नक्शे में देखो, वो लोग हमारे टारगेट में हैं सर। क्या करना है, ऑर्डर दीजिए। प्रोपेलर पर निशाना साधो। मेरी मदद करो ना। मैं पहले से ही बिजी हूँ। ओके। मुझे यहाँ पर देखना होगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इस तरफ घुमाओ। सब मिसाइल तैयार है कैप्टन। छोड़ दो मिसाइल, छोड़ दो। ये हिल रहा है। थोड़ा सा और जोर से घुमाओ उसे, थोड़ा सा और। सीधा अटैक हुआ सर। सारे इंजन रोको। सारे इंजन रोक दो। सारे इंजन रुक गए। हम ठीक हैं, लेकिन उम्मीद नहीं कि हम और हमला कर सकते हैं। फिक्र मत करो, मैं रिमोट का टारगेट उल्टा कर दूंगा। इस ऑक्सीजन सिलेंडर का दिशा ही बदल दूंगा ताकि ये वापस उन्हीं के पास चला जाए। सुनो। यस कैप्टन। जब हम पूरी तरह रुक जाए तो काउंटर चला देना।
यस सर। मिसाइल लॉन्च हो रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सीधा लॉन्च कर दो अभी। ऊपर का हिस्सा खोल दो, ऊपर का हिस्सा खोलो। सुनिए, काफी ज्यादा प्रेशर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, काफी ज्यादा प्रेशर है। हम पानी को काफी तेजी से ले रहे हैं। जहाज पर टारगेट मत करिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, जहाज पर टारगेट मत करिए। हम बच गए, हमने कर दिखाया। हमें यकीन नहीं हो रहा सर, हम बच गए सर। इसे रोकिए, धीरे धीरे करके। ठीक है कैप्टन, हम इसे धीरे कर देंगे 20,000 फीट तक ले जाकर। हम सही में घर जा रहे हैं। हम यूएसएस स्कोशिया से बोल रहे हैं, कोई है? यूएसएस स्कोशिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये यूएसएस स्कोशिया है, कोई हमें सुन रहा है? हम यूएसएस स्कोशिया से बोल रहे हैं, कोई हमें सुन रहा है? हाँ मैं सुन रहा हूँ। अरे वाह, वहाँ क्या चल रहा है? यस, हमने कर दिखाया, कर दिखाया। कहाँ हो तुम लोग इस समय? ये यूएसएस स्कोशिया है। कहाँ हो, किस डिग्री में हो? सर हम 21 सेकंड में पूर्व में मुड़ जाएंगे और 142 मिनट 11 सेकंड में हम वहां होंगे। आपने सुना? A3, ये लिंकन 1 है। आप 16 फ्रीक्वेंसी से 40 फ्रीक्वेंसी पर जाइए। क्या आपने सुना? और वहां पर सब लोग ठीक है, इसके बारे में अपडेट दीजिए हमें। जी सर। क्या लगता है तुम्हें कितना समय लगेगा हमें वहां पहुंचने में? 5 मिनट। पहुंचो। आप लोग हिम्मत बनाए रखें, हम लोग 5 मिनट में वहां पर पहुंच रहे हैं। जी सर। मेरी बात कैप्टन एंडरसन से कराओ। यस सर, इनसे बात करिए। सर, कैप्टन एंडरसन, यूएसएस स्कोशिया। यहाँ 17 लोग मर चुके हैं और 148 लोग बचे हुए हैं सर। यस सर। थैंक यू सर। ठीक है सर, चलिए आप कमांड दीजिए सर, इसे लेकर चलो यहाँ से। अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी तो क्या उसे राज रखोगे? क्या? बस थोड़ी देर के लिए, ताकि पता चले कि आगे क्या कर सकते हैं। हे भगवान, तुम्हें रिपोर्ट कहां से मिला मुझे बताओ? ये सब तो नीमो के प्लान्स हैं, उसके प्राइवेट प्लान्स। मैंने वहां से उठा लिया।